हम अपने इस वाले वीडियो में वेग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चाल के बारे में पढ़ा था। एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यहां पर देख लीजिए कि दूरी और दिशा, यहां पर यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जा रहा है, लेकिन जब हम चाल के बारे में पढ़ रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं था। चाल में केवल दूरी और समय की बात थी, यहां पर दिशा, दूरी और समय, इन तीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। वेग अर्थात विस्थापन डिवाइडेड बाय समय, जबकि चाल की बात करते थे तो वो होता था दूरी डिवाइडेड बाय समय। दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड है। चाल और वेग में अंतर देखते हैं। चाल यह एक अदिश राशि है, वेग यह एक सदिश राशि है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। औसत चाल शून्य नहीं होता, औसत वेग शून्य हो सकता है। एक और पॉइंट, चाल स्थिर रखकर भी वेग में परिवर्तन हो सकता है। आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं और किसी मोड़ पे मुड़ते हैं तो उस वक्त आपके वेग में परिवर्तन हो रहा होता है। एक प्रश्न देखते हैं। एक कार दिल्ली से अंबाला की 250 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, वापसी में भी इतना ही समय लगता है, औसत चाल और औसत वेग निकालो। यहाँ हम दिल्ली में हैं, अंबाला दूरी है 250 किलोमीटर, समय है 5 घंटे। आपको पता है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। कुल दूरी दिल्ली से अंबाला गए 250 किलोमीटर, अंबाला से दिल्ली आए 250 किलोमीटर, कुल समय जाने में 5 घंटे और आने में भी 5 घंटे, तो कुल दूरी हो गई 500 किलोमीटर, कुल समय हो गया 10 आवर। 500 को 10 से डिवाइड किए तो 50 किलोमीटर पर आवर। औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बाय कुल समय। तो आप दिल्ली में थे, अंबाला गए और वापस दिल्ली में आ गए, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हुआ, शून्य। तो 0 / 10 यानी 0 km/h। तो इस तरीके से आपने समझा कि चाल क्या है, वेग क्या है, चाल और वेग में क्या अंतर है और हम किस तरीके से इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे।